आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, हम तो मामूली इंसान हैं और ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के आशीर्वाद से देश सेवा में लगे हैं। दोस्तों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, मैं आपके इस प्यार को कभी भूल नहीं पाऊंगा। दोस्तों, आपके आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। ये जो आप प्यार दे रहे हैं ना, आप जो प्यार दे रहे हैं, 2 मई के बाद बीजेपी सरकार बनने के बाद मैं ये प्यार ब्याज समेत इस इलाके का विकास करके लौटाऊंगा। ये आपका प्यार कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। भारत माता की, देखिए दीदी पूछ रही है, हम भगवान हैं क्या, हमें विजय का कैसे पता चल गया? लेकिन दीदी, ओ दीदी, चुनाव में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, ये पता करने के लिए भगवान को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। ये जो जनता जनार्दन है ना, वो ही भगवान का रूप होती है। अरे जनता जनार्दन का चेहरा देख करके पता चलता है कि हवा का रुख क्या है। यही तो ईश्वर का अवतार है। और दूसरा दीदी, आदरणीय दीदी, दूसरी बात जो है कि चुनाव नतीजों का पता कैसे चलता है, अनुमान कैसे लगता है? एक तो आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, इन सब को देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि दीदी टीएमसी आप चुनाव हार चुकी है, दीदी आप मैदान छोड़ चुकी है। रोज आप सुनिए, रोज आपको कहना पड़ रहा है कि आप नंदीग्राम जीत रही है, नंदीग्राम जीत रही है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी जिस दिन आपने चुनाव के दिन पोलिंग चल रहा था, नंदीग्राम में पोलिंग बूथ में जो खेला किया, जो बातें कही, उसी दिन पूरे देश ने मान लिया था कि आप हार गई है। इसके लिए भगवान को पूछने की जरूरत नहीं है दीदी। जब आपकी पार्टी ये घोषणा कर देती है कि दीदी अब बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ेगी,
तो कोई भी समझदार व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ सकता है कि टीएमसी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बंगाल में अब टीएमसी नहीं बच सकती है। दीदी को राजनीति करनी होगी तो बंगाल के बाहर जाना पड़ेगा, ये आपकी पार्टी बोल रही है। क्या ये सुनने के बाद भगवान को तकलीफ देने की जरूरत है? क्या भगवान को पूछने की जरूरत है? क्या आपको भी समझ आता है कि नहीं आता है? आपको भी पता चलता है कि नहीं चलता है दीदी हार रही है? आप बताइए, आपको लगता है कि नहीं लगता है? आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अभी हाल में ही आपने कहा, देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है, मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं। आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है, इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, आप वैसे तो चुनाव आयोग को गालियां देती रहती हैं, सुबह शाम एक ही बात करती रहती है, लेकिन जो बात आप बोल रही है, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता, प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के ऑडिटोरियल लिख करके हमारे बवाल नोच लिए होते। दीदी, मुझे पता नहीं है कि आपको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है या नहीं, लेकिन आपकी ये बात साफ बताती है कि आप जिनके भरोसे चुनाव के मैदान में थी, वे भी अब आपसे चले गए हैं और आप पब्लिकली उनको कह रही हो मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये दीदी बोल रही है। दीदी, इसका मतलब ये होता है कि आप चुनाव हार रही हो। दीदी, जिस चुनाव आयोग ने दो बार चुनाव करा करके आपको मुख्यमंत्री बनाया, आज आपको उस चुनाव आयोग से ही दिक्कत होने लग गई, ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। जिस ईवीएम ने वाम के शासन को उखाड़ फेंकने में आपकी मदद की, बंगाल के नागरिकों की इच्छा का आदर ईवीएम मशीन खुद करता है, एक एक नागरिक की इच्छा ईवीएम में कैद होती है, आज आपको उस ईवीएम से भी समस्या होने लग गई। जब आप ईवीएम को गाली देती हो, आप इलेक्शन कमीशन को गाली देती हो,
तो मामला पक्का है कि आपका खेला शेष है। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। जिस केंद्रीय वाहिनी की मांग आप खुद करती थी, मांग करती थी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथ में ही चुनाव होना चाहिए, दीदी आप आज उन पर गुस्सा कर रही हैं, उनको बदनाम करने के लिए भाषा बोल रही है, षड्यंत्र कर रही हो, ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। दीदी आप एक राज्य की सीएम है, दो फेज का चुनाव हो चुका है, बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ, करीब करीब 80% से ज्यादा वोट पड़े। मैं भी गुजरात में मुख्यमंत्री था, इतना अगर वोटिंग होता है, शांतिपूर्ण होता है, तो सीएम के नाते मैं गर्व से कहता हूं कि देखिए मेरे राज्य में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, मेरे राज्य में इतना ज्यादा मतदान हुआ, मैं गर्व करता था। दीदी यहां शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, 80% से लोग ज्यादा मतदान करने जा रहे और आप परेशान हो, आप गर्व नहीं कर रहे हो, यही बताता है दीदी कि आप चुनाव हार रही हो। साथियों, बीजेपी की रैली में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, दिखता है साहब, बहन बेटियां आ रही हैं, लेकिन दीदी कहती है कि ये जो लोग आए हैं ना, वो पैसे लेकर यहां आते हैं। मुझे बताइए भाई, क्या आप पैसे लेकर के यहां आए हैं क्या? जोर से बोलिए, पैसे लेकर के आए हैं क्या? पैसे लेकर के आए हैं क्या? पैसे मिलने वाले हैं इसलिए आए हैं क्या? ये दीदी आप पर झूठा आरोप लगाती है कि नहीं लगाती? ये दीदी आपको बदनाम कर रही है कि नहीं कर रही है? दीदी ने आपका अपमान किया है कि नहीं किया है? तो दीदी को सजा दोगे कि नहीं दोगे? सजा दोगे कि नहीं दोगे? इस चुनाव में जबरदस्त सजा दोगे कि नहीं दोगे? कमल के निशान पर बटन दबा के सजा दोगे कि नहीं दोगे? भाइयों बहनों, बंगाल की ईमानदार जनता पर दीदी का यह संगीन आरोप इस बात की गवाही है कि आप चुनाव हार चुकी है। दीदी को तिलक लगाने वालों से दिक्कत है, भगवा वस्त्र धारण करने वालों से समस्या है, ये दिखाता है दीदी जमीन खिसक चुकी है, आपका हारना तय है। दीदी 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 लोग कहते हैं कि आप फुटबॉल बहुत खेलती हैं। दीदी हमने सुना है फुटबॉल में एक होता है ओन गोल, आप चुनाव के मैदान में सेल्फ गोल कर चुकी है, आपने खुद ही अपनी सच्चाई स्वीकार कर ली है। भाइयों बहनों, टीचरों की भर्ती हो या फिर लोगों के काम, आपने सिर्फ तुष्टीकरण किया। बंगाल के सामान्य लोगों को, बंगाल के नौजवानों, यहां के किसानों को आपने अपने हाल पर छोड़ दिया।
10 साल तक आपके तोलाबाज बंगाल लूटते रहे। आदरणीय दीदी, आप देखती रही। 10 साल उत्तर बंगाल के साथ अन्याय हुआ। आदरणीय दीदी, आप देखती रही। 10 साल यहां जब रक्त बहा, महा बहनों के आंसू बहे। आदरणीय दीदी, आप देखती रही। 10 साल दलित, वंचित, पिछड़ों, आदिवासियों, टी गार्डन मजदूरों के साथ धोखा हुआ। दीदी, आप देखती रही, आंखें बंद करके बैठी रही। 10 साल कृषक सिंचाई और भंडारण की सुविधाओं से वंचित रहे। फोड़े राज से परेशान रहा। दीदी, आप देखती रही। टीएमसी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री खेला करते रहे और दीदी देखती रही। 10 साल तस्करी और घुसपैठ होती रही। दीदी देखती रही। देखिए, कोई मेरे साथ जो डॉक्टर है, जरा देखे, वो माताजी जरा पानी वगैरह दीजिए, उनकी चिंता कीजिए। पानी पानी वगैरह दीजिए उनको। हाँ, मेरी टीम के डॉक्टर वहां पहुंचे तुरंत। हाँ। 10 साल अवैध खनन, तस्करी, ड्रग्स का सिंडिकेट फला फुला। और दीदी देखती रही। साथियों, अभी हाल ही में जो टेप आया है, उसमें कई बातचीत ऐसी उजागर के हुई है, दीदी के 10 साल का पूरा रिपोर्ट कार्ड दे रही है। दीदी, आपने बंगाल में एक नया टैक्स शुरू कर दिया, बाइपो सर्विस टैक्स। गरीब मां बहन ने मेहनत का एक वो बाइपो सर्विस टैक्स में चला गया। बंगाल का युवा एक एक टका के लिए तरस रहा है और वहां 35-40 करोड़ एक महीने में आ रहा है। इसी वजह से आज बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है, चलो पलटाई। बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है, चलो पलटाई। जोर से बोलिए, चलो पलटाई। मेरे साथ जब भी मैं कहूंगा बोलते चलिए, मिथार खेला शेष कोरते, चलो पलटाई। मिथार खेला शेष कोरते, कटमनिर खेला के दाओ विदाई। हिंसा राजनीति के दाओ विदाई। महिला सुरक्षा बारनो जन्नो, हारानो गौरव फेरानोर जन्नो। सोबाई मिली भाई, चलो पलटाई। तृणमूल के दाओ विदाई, तृणमूल के दाव विदाई। भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार के भाव से कितनी परेशानी हो रही है, एक कुछ बिहार से बेहतर कौन समझ सकता है। यहां स्वास्थ्य सुविधाओं का भाव है, लेकिन दीदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी तो केंद्र सरकार की
स्वास्थ्य योजनाओं पर भी ब्रेक लगा देती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर में लगभग 2.25 करोड़ से ज्यादा गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है, लेकिन दीदी की दुर्नीति के कारण इसका लाभ यहां के मेरे गरीब भाई बहनों को नहीं मिला। भाई और बहनों, केंद्र सरकार हर घर हर खेत को पर्याप्त पानी देने के लिए निरंतर कोशिश कर रही है, लेकिन दीदी की सरकार ने केंद्र की कृषि सिंचाई योजना को यहां ठीक से लागू नहीं होने दिया। साथियों, हमारी बहनों का बहुत बड़ा समय पानी के इंतजाम में लग जाता है। गंदे पानी से बच्चे बीमार होते हैं, लेकिन दीदी ने क्या किया? केंद्र सरकार ने हर घर पाइप से जल पहुंचाने की एक बहुत बड़ी योजना पूरे देश में शुरू की है। अभी तक देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में नल से पानी पहुंचाने के लिए जो करोड़ों रुपए भेजे थे वो भी दीदी तिजोरी में रख करके बैठ गई। साथियों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही पानी की समस्या को दूर करने के लिए, हर घर पाइप से जल पहुंचाने के लिए डबल ताकत से काम किया जाएगा। यहां के कृषक परिवारों के लिए, विशेष रूप से छोटे कृषकों को तो डबल इंजन की सरकार से बहुत लाभ होने वाला है। देश भर में भंडारण से जुड़ा, कोल्ड स्टोरेज से जुड़ा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड केंद्र सरकार ने बनाया है। नए कृषि कानूनों से भी भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और कृषि आधारित शिल्प के लिए बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। आलू सहित हर प्रकार के फल सब्जी से जुड़े कृषकों को जब कोल्ड स्टोरेज मिलेगा, प्रोसेसिंग उद्योग निकट ही मिलेंगे, तो इससे बहुत बड़ा लाभ मेरे कृषक भाइयों को होगा। जूट किसानों के लिए एमएसपी में केंद्र सरकार पहले ही कई गुना बढ़ोतरी कर चुकी है। यहां जूट की अलग अलग पैकेजिंग से जुड़े उद्योग लगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनों को इससे जोड़ा जा सके, इसको प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के सभी कृषक परिवारों को पहली कैबिनेट बैठक में ही, और मैं आपसे कहूंगा हर किसान के घर पे मेरी ये बात पहुंचानी है, पहुंचाओगे? गांव गांव जाके पहुंचाओगे? हर एक किसान के घर जाकर के बताओगे? बताओगे? तो मैं बताता हूं क्या बताना है। 2 मई के बाद बीजेपी की सरकार बनेगी और पहली कैबिनेट में जो काम हम करने वाले हैं वो आप किसानों को घर घर जाकर के बताइए। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ हर किसान को मिल जाएगा। बंगाल की बीजेपी की सरकार की कोशिश होगी कि हर किसान के खाते में, ये बात पहुंचाइए, हर किसान के खाते में जल्द से जल्द 18,000 रुपये, कितने कितने जरा जोर से बोलिए, कितने? 18,000 रुपये, कितने 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 कितने? 18,000 रुपये सीधे किसान के बैंक खाते में जमा हो जाएंगे। ये किसानों को जाकर के बताइए। दोस्तों, चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए इस बजट में
1000 करोड़ रुपए की विशेष योजना का भी ऐलान किया गया है। इसका लाभ इस क्षेत्र के भाई और बहनों को मिलेगा। आप इतना प्यार कर रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो, यहां से जाने का मन ही नहीं करेगा। साथियों, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि दीदी आजकल लोगों को धमकी दे रही है और दीदी के यहां से धमकी जा रही है कि वो जीतकर नहीं आएगी तो सारी सुविधाएं बंद हो जाएगी। आपनारा की एटा विश्वास करन का विश्वास करन एटी संपूर्ण मिथ्या असत्य कथा जनमानुष के विभ्रांत कोरार व्यर्थ चेष्टा आज सफल हो बेना। बांगलार मानुष भूल बुझाने चेष्टा दोरे फेल छे किछुई बंद हो बेना। आप लिख के रखिए किछुई बंद हो बेना। भाजपा सरकार सवार जन्यो सामाजिक सुरक्षा मासिक भाता शिक्षा स्वास्थ्य खाद्य मां बोने देर आर्थिक सुविधा कृषक देर सुविधा दीते थाकबे टाकार परिमाण एखोन थे के अनेक ताई बावे। हां थाकबे ना कटमनी तोलाबाजी दुर्नीति सिंडिकेट राजनीतिक वंचना। भाइयों और बहनों, ये पूरा क्षेत्र प्राकृतिक रूप से ऐतिहासिक रूप से बहुत समृद्ध है। यहां हमारी समृद्ध धरोहर है। भवैया गान जैसे अनेक पारंपरिक संगीत नृत्य और साहित्य से यह क्षेत्र समृद्ध है। कुछ बिहार पहले सहित है, आकर्षण है, जो टूरिज्म जो धरोहर यहां की असली ताकत है, उसी की दीदी की सरकार ने उपेक्षा की है। ठाकुर पंचानंद जी के घर को सहेजने के बजाय टीएमसी सरकार ने जर्जर होने के लिए छोड़ दिया। उनके म्यूजियम की क्या स्थिति है वे आप भली भांति अच्छे से जानते हैं। जब दीदी की सरकार द्वारा हाईवे रेलवे एयरपोर्ट ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को रोका जाएगा तो उनमें अड़ंगे लगाए जाएंगे तो फिर टूरिज्म कैसे बढ़ेगा। दीदी की सरकार की बेरुखी का सीधा नुकसान यहां के युवाओं को हुआ है, नौजवानों को हुआ है। टूरिज्म के सेक्टर से बिजनेस मिल सकता था, चाकरी मिल सकती थी, वो पलायन के लिए मजबूर है। 2 मई के बाद डबल इंजन सरकार यहां हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने की सारी रुकावटों को दूर कर देगी। साथियों, यहां स्थानीय गौरव को मजबूत करने के लिए बंगाल बीजेपी ने अनेक संकल्पों को पूरा करने का प्रण लिया है। आप लोगों की बरसों पुरानी मांगों पर बंगाल की बीजेपी सरकार
तेजी से काम करेगी। जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दीदी की सरकार ने रोक रखा है वो भी यहां लागू की जाएगी। इस नीति के बाद स्थानीय भाषा में पढ़ाई और आसान हो जाएगी। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां के युवाओं को मिलेगा। नारायणी सेना बटालियन को लेकर जो भ्रम टीएमसी फैला रही है वो भी 2 मई के बाद दूर हो जाएगा। अब सब कुछ ही दिनों की बात है, बस कुछ ही दिनों की बात है। अब तुष्टिकरण और भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मिलेगा। आपको बस एक ही ध्यान रखनी है, लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी पौधे छाप टीएमसी साफ, पौधे छाप। आप घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे। पूरे राज्य में 1 नंबर का मतदान आपका होगा, पूरी ताकत से होगा। लोगों को घर से ले जाओगे, लोगों को समझाओगे, दीदी के गुंडे आ जाए तो भी जाओगे, पक्का जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।